हेलो एवरीवन, माय नेम राजेश शर्मा फ्रॉम ग्लोबल सिडनी ग्रुप चंडीगढ़। आज माय डियर फ्रेंड, जिन स्टूडेंट्स ने यूके स्टडी करने के लिए अप्लाई करना है, उनको कितना फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, मींस टोटल फंड्स उनको शो कितना करना है और कितने मंथ या कितने डेज वो पुराना होना चाहिए, उसके बारे में यार डिस्कस करने जा रहा हूँ। और कितने एक्चुअल में फंड्स लगते हैं वो सारा ब्रीफ में डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस स्टडी वीजा के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल में उसको कितना फंड शो करना है और कितने मंथ या कितने डेज वो पुराना होना चाहिए या ओल्ड होना चाहिए उनके अकाउंट में। तो सबसे पहले बात करते हैं जो टोटल फंड्स उनको शो करना है वो शो करना है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर की फीस है प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ नेक्स्ट 9 मंथ्स का, जो उसका कॉस्ट ऑफ फीस उन्होंने यूके वीआई ने एक डिसाइड करा है कि आप इनर लंदन अगर जाते हैं तो आपको 9 मंथ्स के इतने फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप आउटर लंदन में स्टडी करने जा रहे हैं तो वहां पर इतने फंड्स का उनको 9 मंथ्स तक का शो करना होता है। तो अगर आप इनर लंदन में जा रहे हैं, जो मेन यूनिवर्सिटीज हैं, बड़ी बड़ी मेजर यूनिवर्सिटीज हैं, अगर इनर लंदन के वहाँ किसी भी यूनिवर्सिटी में स्टडी करने जा रहे हैं तो बेसिकली आपको 1334 pounds पर मंथ फॉर 9 मंथ्स तक शो करना होता है। मींस अगर टोटल इसको हम कैलकुलेट करें, मल्टीप्लाई 9 मंथ से करें पर मंथ का, तो ये 12,600 pounds के करीब बनता है। मींस आपको रफली 12 lakh के करीब आपको ये फंड्स आपके अकाउंट में होने चाहिए। अगर आप इन आउटर लंदन में स्टडी करने जा रहे हैं तो यही आपको 1,2300 pounds आप वन मंथ के हिसाब से आपको 9 मंथ तक आपको शो करना है, 9 मंथ का लिविंग एक्सपेंसेस आपको शो करना है। मींस ये टोटल आपको 9,207 pounds बनेगा टोटल, जो रफली आपको अगर मैं कैलकुलेट करूं आज के रेट के हिसाब से तो ये 9.5 lakh के करीब आप बनता है इंडियन INR में। तो बेसिकली ये बात ये है कि अगर आप इनर लंदन में जा रहे हैं तो 12 lakh के करीब है, और अगर आउटर लंदन में जा रहे हैं 9.5 lakh के करीब आपको अकाउंट में दिखाना है। इसके साथ साथ जो आपकी फर्स्ट ईयर की फीस है वो आपको दिखानी है। आपको पता ही होगा कि रफली जो यूके की यूनिवर्सिटीज की फीस है वो 12 lakh से लेके, यानी कि 12,000 pounds से लेके 16,000-18,000 pounds तक जाती है। मीन्स आपको 12-13 lakh से लेके 16-17 pounds तक फर्स्ट ईयर का फीस रहता है, वो आपको शो करना है। आपको ये दोनों चीजें मिला के मीन्स अगर आप एवरेज, अगर सपोज आपकी फीस जो है 14 lakh है या 15 lakh है या 14 lakh है, अगर मैं रफली एक आइडिया लेता हूँ, 14 lakh आपके आपका फर्स्ट ईयर का फीस है प्लस आप आउटर लंदन में स्टडी करने जा रहे हैं, तो आपकी जो टोटल एक्सपेंसेस आपको जो फंड्स शो करने हैं वो आपको 24,000-26,000 dollars के, सॉरी 26 lakhs rupees आपको शो करने हैं। वो ये डिपेंड करते हैं आपकी फीस पे, अगर आपकी फीस ज्यादा है तो आपको ज्यादा दिखाने होंगे, अगर आपकी फीस कम है तो आपको कम दिखाने होंगे, बट जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो फिक्स करा है गवर्नमेंट ने, वो इतना ही रहेगा। अब बात आती है ये कितना पुराना होना चाहिए। तो बेसिकली ये जो आपके फंड्स हैं वो मिनिमम 28 days अकाउंट में होने चाहिए, या तो स्टूडेंट अपने अकाउंट में रख सकता है इसको, या फिर उसके पेरेंट्स के अकाउंट में होने चाहिए। उसके बाद जब 28 से 29 days हो जाएंगे उस अकाउंट में इन द फॉर्म ऑफ FD या सेविंग अकाउंट में, तो उसका एक बैलेंस सर्टिफिकेट लेना होता है आपके बैंक मैनेजर से, जिस बैंक में आपने फंड्स रखे हैं, और साथ ही स्टेटमेंट लेना होता है। अगर FD है तो FD अटैच करिए सीधा, और अगर अकाउंट स्टेटमेंट है तो अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ्स की या 2 मंथ्स की आप लेके उसको लगा सकते हैं। तो ये था कि आपको कितना फंड्स दिखाना है, हो सकता है आपको क्लियर हो गया होगा, और आपको कितना पुराना वो फंड्स होना चाहिए जो आपने दिखाना है। अब मैं बात करता हूँ कि एक्चुअल में स्टूडेंट को कितना फंड चाहिए होता है जो उसके एक्सपेंसिस होगा टिल वीजा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपका जो फर्स्ट ईयर फीस है वो तो आपको पे करना होगा इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। जैसे इंस्टॉलमेंट मींस जब आप ऑफर लेटर आता है तो हर एक यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट रहता है कि आपको 3,000 या 4,000 pounds आपको इनिशियल डिपॉजिट करना है, जो उसको प्री पेमेंट डिपॉजिट बोलते हैं।
उसके बाद आपका सी ए एस कैश का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। तो एवरेज ये हम इनिशियली पेमेंट करते हैं और जो रेस्ट ऑफ द पेमेंट है वो भी आफ्टर वीजा पे करना होता है हमें यूनिवर्सिटी को बिफोर क्लासेस। तो एवरेज हम मैंने बताया था आपको कि एवरेज हमारा अगर फीस हमारी 14 लाख है तो हमें वो 14 लाख एक तो यूनिवर्सिटी को पे करना है। उसके बाद आता है हमारा एम्बेसी वाला पार्ट। एम्बेसी वाले जब एम्बेसी में हम वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो IHS जो इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज है वो स्टूडेंट को पे करना होता है। ये क्या है, ये बेसिकली स्टूडेंट स्टडी करने जाता है तो उसका वहां पर जो इंश्योरेंस कह लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं इसको, कि जब जो जिस जितने पीरियड में स्टूडेंट वहां स्टडी करता है उतने पीरियड के लिए उसको वो हेल्थ सरचार्ज चाहिए होता है। ये गवर्नमेंट ने फिक्स करा है कि एक स्टूडेंट का अगर एक साल की स्टडी है तो बेसिकली ये मैं बात करूं तो ये 624 पाउंड्स पर ईयर रहता है। अगर 2 ईयर्स की स्टडी है आपको तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकते हैं, और 3 ईयर्स की स्टडी है जैसे जनरली स्टूडेंट 10+2 के बाद बैचलर डिग्री करने जाता है तो वहां पर जो स्टूडेंट का जो है मल्टीप्लाई बाई 3 रहता है, जो रफली इंडियन रुपीज में आज के रेट में 1.8 लाख स्पेशली 1.80 के करीब बनता है, इनके 1,80,000 या 1,90,000 INR में बनता है 3 ईयर्स की स्टडीज पे। अगर एक साल की स्टडी है जैसे बैचलर के बाद मास्टर्स के लिए जा रहा है, जल्दी एक साल की स्टडी रहती है वहाँ मास्टर्स, तो उसमें जो स्टूडेंट का जो सरचार्ज है वो 60,000 या 65,000 के करीब लगेगा। जब हमने ये पे कर दिया उसके बाद आती है एमएससी की फीस की बात। एमएससी की जो फीस है वो भी रफली आपने सुना होगा 38,000 के करीब रहती है, 38 या 40,000 वो डॉलर उसके पाउंड्स के रेट के हिसाब से होता है, पर 38-39,000 के करीब आपको पे करना होता है। ये था टोटल एक्सपेंसेस की हमने कितना हमारा सरचार्ज, तो जनरली अगर सपोज हमारी 14 लाख के करीब फीस है उसके बाद हमारा 1.90 इनके 2 लाख के करीब हमारा ये सरचार्ज जो IHS आता है उसका सरचार्ज है, तो 14+2 रफली हम 16 लाख के करीब इसको कैलकुलेट करते हैं, प्लस जनरली 40,000 के करीब आपका एमएससी के चार्जेज लगते हैं, वो यानी कि 16.5 लाख के करीब आपको आपके अपने पास होना चाहिए। और 3-4,000 जो है बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं, तो कुछ स्टूडेंट PPL लेते हैं जो प्रीमियम लॉन्च सर्विस लेते हैं, और कुछ कोरियर के चार्जेस लगते हैं, तो 5,000 के करीब वो लगता है। मींस टोटल आपको 16.5 लाख के करीब आपके पास होना चाहिए अगर आप 3 ईयर्स की स्टडी करने जा रहे हैं। अगर 1 ईयर की स्टडी करने जा रहे हैं तो रफली आपको 15 लाख के करीब ही में आपका सारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। बट अगर आपकी फीस जो है 14 लाख के करीब है, अगर फीस कम है तो कम लगेगा जितना आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपकी फीस जो है 13 लाख है तो उसमें आप उस सर IHS इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज ऐड कर लीजिए और एमएससी फीस ऐड कर लीजिए। अगर आपकी फीस ज़्यादा है तो आप अकॉर्डिंगली आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक गाइज आपको सारी ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि कितना आपको फंड शो करना है, कितना पुराना होना चाहिए और एक्चुअल में कितना आपका फंड्स लगेंगे जब आप यूके स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करेंगे। तो आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे या मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। वी बिलीव इन 100% जेन्यून एंड ट्रांसपेरेंट सर्विसेज। विद दिस गाइस थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।